10 तारीख को दोपहर को 2 बजे, दोपहर बाद हमारे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी, एक्स चीफ मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष, पानीपत अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। उनके कार्यक्रम के लिए मैंने ये आज मीटिंग बुलाई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसमें क्या दिक्कत आ रही है, इस अंदर किसान बहुत दुखी हो रहा है, किसान की फसलों को पूरा भाव नहीं मिल रहा और न ही किसानों की फसल खरीदी जा रही है। आज भी मंडी में फड़ने माल खरीदने की डेट थी, उसने माल नहीं खरीदा और उसने कह दिया भाई जो ये लॉस्टर का लॉस होगा या छोटा दाना है काला दाना है इसके जिम्मेवारी अड़ती होगी। तो अड़ती भाई इसके जिम्मेवार क्यों है, अड़ती उन्हें इतने क्या कमीशन आती है, 40 रुपये एक क्विंटल के हिसाब से कमीशन आती है। हमारी कमीशन पहले घटा भी दी इन्होंने, उसके बाद भी ना कमीशन घटाने के बाद भी इन्होंने हमारा सब्र नहीं हारा। अब ये गाड़ियाँ उल्टी आऊँगी, आने जाने का किराया पड़ेगा, क्या नाम है, आड़ती को पड़ेगा आने जाने का किराया, लेबर पड़ेगी, वापस माल आ जाएगा। तो आड़ती इतना कितनी कमाई करते हैं इनको, और हमारी ये आड़त घटाई, सरकार ने ऐसा क्या किया हमारे साथ, जुल्म कर रखे अनंत खट्टर साहब ने। और सीएम साहब हमारे भूतपूर्व सीएम साहब माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने कल आने वाली 10 तारीख को 2 बजे पानीपत मंडी में आ रहे हैं, वो किसानों की समस्या सुनेंगे और आड़तियों की समस्या सुनेंगे, मजदूरों की सुनेंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी किसानों को, ज्यादा से ज्यादा किसानों को कहता हूँ कि मंडी में आए और अपनी समस्या बताएं और उनकी फसल नहीं बिक्री। आने वाला टाइम कांग्रेस का टाइम है और इस सरकार ने तो जो फसल है वही बेच रहे, इन्होंने तो जो फसल है वही बेच रहे हैं, जो कांग्रेस ने 60-70 साल में कमाया था वो इन्होंने सारा बेच दिया, चाहे वो BSNL है, चाहे वो रेलवे है, चाहे एयरपोर्ट है, तो सब बेचने के ऊपर लगे हुए हैं। आप लोग सब मेरे से ज़्यादा इस मामले में समझदार हैं, मैंने इसीलिए ये मीटिंग बुलाई है कि जो ये सरकार कर रही है किसानों के साथ धोखाधड़ी। और हुड्डा साहब एक ऐसे नेता हैं, पीछे आपने देखा होगा कि आड़तियों ने अमरन अनशन पर बैठ के थे करनाल में, और वहाँ का जो मौका मुख्यमंत्री है करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से वहीं था, उसने आके 5 दिन तक किसी को नहीं उठाया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हुड्डा साहब का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ और ये कहता हूँ कि उन्होंने आके ने किसानों को दुख को देखते हुए वो स्ट्राइक खुलवाई और आड़तियों को कहा कि आपकी जो मांगे हैं जायज हैं, इस पर जब हमारा टाइम आएगा इस पर विचार करेंगे, लेकिन अब किसान की फसल खराब हो रही है और आप अभी अनशन तोड़ो। और देखो अगर सोनू मालपुरिया ये जो परंपरा पुरानी है तोड़ने का काम कर रहा है और कहता है मैंने इसके अंदर ये काम करवा दिए वो काम करवा दिए, बिल्कुल गलत है। जब ये किसान भवन 88-89 बना था, इसमें एक आज मैं आप लोगों को बताऊँ, आप तो बच्चे हो उस टाइम से, आप कहीं पैदा भी नहीं होंगे, एक माननीय श्री स्वर्गीय माननीय गजे सिंह ईटी होते थे इस राणे से, उन्होंने और मैंने लक्के ने पानीपत में लगभग सभी दुकानदारों से हमने चंदा लिया, हाथ पैर जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की, और ट्रक यूनियन से मैंने इसके अंदर रेत बजरी कोरसेंट सारा मेरा डलवाया हुआ है, और जो कि रियल्टी में डीजल यूनियन ने दिया था, रियल्टी बेस के ऊपर इसके अंदर रेत बजरी कोरसेंट डलवाया था, और रियल्टी बेस के बीच में पैसे लेने का आया तो उन्होंने मेरे से कह दिया जी ये तो किसान भवन है, किसानों का है, साथियों ने पुराने चले गए बेचारे वो, तो ये तो किसान भवन किसानों का बनाया हुआ, आपसे अनुरोध है कि आप एक कमरे पत्थर लगवा लो। तो हमारे स्वर्गीय दारा सिंह जी जो फिल्मी एक्टर होते थे वो आकर मेरे कमरे पत्थर लगा गए थे वहाँ पर, और मैं किसान हूँ और किसान भवन की सहानुभूति है, बिल्कुल भी मालपुरी सोनू मालपुरी ने बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि आप इस किसान भवन को 5 साल का करें या 2 साल का करें। जो पुरानी परंपरा चली हुई है, हमने खुद अपने पसीने से ईंट तक पढ़ाई हुई है वहाँ पर, हमने जब ये बिल्डिंग बनी थी हमने अपने खून पसीने से इसको बनाया हुआ है, मालपुरी भाई ने हमारा भाई है साथी है, मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको छोड़ दें और आने वाले जैसे आप 2 साल के हैं अगला टाइम मेरे ख्याल बापल्ली ब्लॉक का है, बापल्ली ब्लॉक के वो बनाए क्या नाम प्रधान बनाए, वो कह रहे हैं कि जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं या विरोध करते हैं, मतलब मैं एंट्री बैन कर दूंगा, पीछे भी देखा एंट्री बैन वो कैसे कर सकते हैं, ऐसी कौन सी पावर उनके हाथ के अंदर एंट्री बैन कर दें, कैसे कर देंगे एंट्री बैन, आवाज तो जायज बात तो कोई भी कह सकता है, मैं गलत हूं तो मैं गलत रहा हूँ तो मेरी गलती को सारे गलत कहेंगे, एक मैं गलत कर रहा तो ये थोड़ा उसकी एंट्री बैन कर दूंगा, कौन होता है एंट्री रोकने वाला,